देखिए ये गीता पाठक एक हैं, इन्होंने 40 ब्राह्मणों की एक टीम बुलाई थी ब्राह्मण लोगों की अनुष्ठान कराने के लिए। तो इनका तय हुआ था कि 2000 रुपया पर डे के हिसाब से 9 दिन का अनुष्ठान होगा। इनका जब ये 9 दिन होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं फिर 2 दिन और बढ़ा दिए, तो 11 दिन का पूरा इनका अनुष्ठान हुआ है। तो उस हिसाब से इनका 9,02,000 रुपया इनका बन रहा था। तो आज सुबह 4 बजे इन्होंने जो हिसाब पैसा दिया तो पालथी में लपेट के और कपड़े में लपेट के इन लोगों को दिया। जब ये लोग खोल के अपना हिसाब सब कर रहे तो देखे उस पर कूपन 2000 का कूपन, 500 का कूपन, 200 का कूपन इस तरह लिखा हुआ था भारतीय मनोरंजन बैंक। तो नकली तो नहीं है, लेकिन जो चूरन वाला नोट है और जो ये कूपन के तौर पर प्रयुक्त होता है वो है ये नोट। अब इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और इसका हम लोग पता कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं और ये इसका सोर्स कहाँ से आया है, कहाँ से पैसा ये कूपन वाला पैसा यूज हुआ है, कहाँ से आया है। जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर ये किस लिए करा रहे, किसके लिए करा रहे? ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये एक अनुष्ठान करा रही थी। ये इनका ये कहना है ब्राह्मण लोगों का, ये 9 दिन का अनुष्ठान होता है। उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट देवता कह रहे हैं कि 2 दिन बढ़ा दिए, तो 2 दिन इन्होंने बढ़ा दिए, तो पूरे 11 दिन लोगों ने अनुष्ठान किया। ये हमारे साथ में सभी ब्राह्मणों को हम लेकर के अनुष्ठान कराने के लिए यहाँ पे आए थे। 9 दिवसीय अनुष्ठान था। 9 दिवसीय अनुष्ठान में पूर्णाहुति के तत्पश्चात हमको विदाई के रूप में इन्होंने 5.5 लाख रुपया दिया, 5,53,000। ठीक है, जब हम लोग उसको एक पन्नी में रेड कलर की पन्नी में रख करके हमारे पास लेकर के आई, दे दी। इसके बाद में जब हम लोग बांटने चले, उसको देखने चले, पैसा जब खोले तो थोड़ा मध्यान्ह काल का समय था, मतलब प्रभात काल का 4 बार बज रहे थे, तो ज़्यादा उसी समय मतलब भीड़ भाड़ भी थी, आपस में सब लोग थे, तो इसी कारण से ज़्यादा हम लोग उसमें सेटिफाइड नहीं हुए कि हम वहीं पर लाओ अलग करके पैसा देख लें या रख लें। हमने कहा भाई ओरिजिनल हो गए पैसे, तो हम पन्नी सहित ले आए, गुलाबी पन्नी पड़ी हुई है वहाँ पे, उसी में पैसा था। हमने पन्नी को खोला, देखा तो उसमें नकली नोट थे। हम ले जाकर के पहले हमने कहा माता जी ये क्या कर दिया आप हमारे, हाँ मनोरंजन वाली बैंक जो चूरन की बुढ़िया में निकलती है, जिसका साच प्रमाण यहाँ के मतलब जो वरिष्ठ अधिकारीगण है उनको दे दिया गया है, वही उसमें का जो हम लोगों को मिला था कुल मिला करके।